दुर्ग के गौरव पथ पर स्थित महिला समृद्धि बाजार का इन दिनों बुरा हाल है। दुर्ग निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते परेशान उठे हैं वहां के व्यवसायी। न पानी, न शौचालय, न साफ सफाई, सभी तरफ सिर्फ बदहाली ही बदहाली। यूँ तो हमर दुर्ग और हमर स्वच्छ दुर्ग का स्लोगन लिखकर दुर्ग नगर निगम अपनी दस्तावेजों में वाहवाही खूब बटोर रहा है, लेकिन वही निगम संपत्ति पर बनी दुकानों पर अपना व्यवसाय कर रहे दुकानदारों समस्याओं के निराकरण के लिए कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं, जिसके चलते इन व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में महिला समृद्धि बाजार के सामने बने गणेश प्रतिमा दुकान को हटाने यहां के व्यवसायियों ने दुर्ग नगर निगम कमिश्नर को लिखित में शिकायत की, जिस पर कुछ निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिर्फ खाना पूर्ति कर वापस हो गए। व्यवस्था जस की तस यहां पर रही। आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्य मार्ग के किनारे लंबी लंबी दुकानें सजाई गई है और समृद्धि बाजार कॉम्प्लेक्स को भी ढांकते हुए दुकानें लगाई गई है। ये जब तू किसी को पाल पोस नहीं सकता, तेरा अधिकार नहीं उस पर अधिकार जगा दो तो किस हैसियत से उसको रोकता जाने के लिए। जब मीडिया ने निगम अधिकारियों से इस बारे में जानना चाहा तो बाजार विभाग के ईश्वर वर्मा ने अतिक्रमण विभाग दुर्गेश गुप्ता का काम बताया। जब दुर्गेश गुप्ता से बात की गई तो ईश्वर वर्मा का नाम बताया। वहीं इनसे बात करने से समझ आया कि कहीं न कहीं निगम के ही अधिकारियों की मिलीभगत का ये नतीजा है जो सामने नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से लचर है। इस संबंध में समृद्धि बाजार के व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। सर, यहाँ हमारा ऑफिस है तो गाड़ी वगैरह निकालने के लिए बहुत समस्या होता है। पानी की भी समस्या है, रेड बात का समस्या है। हम लोग गर्ल्स हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है ना। बॉयज़ तो चलो जैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर गर्ल्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो पानी की व्यवस्था और टॉयलेट वगैरह का थोड़ा सा व्यवस्था कीजिए, ये हमारा कहना है। बहुत दिक्कत होता है और शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। गाड़ी अंदर करने के बाद निकाले, हमको सोचना पड़ता है कि निकाले कैसे हम, और रखने के लिए सोचना पड़ता है, रख देंगे तो निकालेंगे कैसे। हम चाहते हैं कि इनको अलग से जगह जगह दिया जाए जहाँ अपने दुकान लगा सके और किसी को तकलीफ ना हो। मैं यहाँ करीब पाँच साल से काम कर रहा हूँ। हर साल हमको यही देखने मिलता है यहाँ पे। मेरा नाम शशि कुमार सिंह है, मैं ही काम करता हूँ। कहते हैं आपको ये नगर निगम का महिला समृद्धि कॉम्प्लेक्स है, दुर्ग जेल रोड में स्थित है, और यहाँ पे हम लोग को जो समस्या होती है वो पानी की हो रही है अभी, और रात में जो है यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। कई सालों से ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ है, और इसमें जिसको भी दुकान अलॉट हो गई है वो भी दुकान पता नहीं क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, और आप देख रहे हैं कि पीछे तरफ जो है गणेश पंडाल लगा हुआ है, ये हर साल इतना बड़ा लगा देते हैं कि कोई ग्राहक अंदर आ भी नहीं सकता। बाहर शाम के तो इतनी भीड़ हो जाती है कि कोई अंदर कॉम्प्लेक्स में घुसने में उसको बड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें और ऑफिस हैं जिसमें हमको स्वयं की अपनी गाड़ी रखने में प्रॉब्लम होती है। कई बार गाड़ी खड़ी करने के बाद ये स्थिति हो जाती है कि हम अपनी ही गाड़ी निकाल नहीं पाते। जी, निगम वाले आए जरूर थे और उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की, पर होता यह है कि राजनीतिक दबाव और अन्य कारणों से किसी प्रकार से पंडाल हट भी नहीं पाया है और समस्याएं यथावत अभी है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।